अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत खैरियत से होंगे। आज हमारे किचन में बनने जा रहे हैं सब्जी चावल। इसको बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही मज़े के बनते हैं। हम अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। रेसिपी शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल सिबनिंग फूड हब को सब्सक्राइब कर लें और पास में बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहे। तो सब्जी चावल बनाने के लिए जो आपको चीज़ें चाहिए वो हैं, ये हमने दो पूरी पूरी मुर्गियाँ ले ली थी, इस तरह ये पूरे इस तरह, ये ऑलमोस्ट 3 kg है दोनों दोनों का वेट। इसके अंदर इस तरह हम बीफ काट लगा लेंगे। तो मैरिनेशन के लिए जो चीज़ें चाहिए वो हैं, 1/2 kg हमने दही ले लिया था, इस तरह ये 1/2 kg दही ले लिए, साबुत लाल मिर्च ले ली है 20 अदद, तिक्का मसाला ले लिया है 2 टेबल स्पून, तंदूरी मसाला ले लिया 2 टेबल स्पून, मस्टर्ड पेस्ट ले लिया 2 टेबल स्पून, जीरा ले लिया 2 टेबल स्पून, इसको हमने भून लिया है, अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया 2 टेबल स्पून, कुटा हुआ धनिया ले लिया 1/2 टीस्पून, काली मिर्च ले ली, इसको अभी हमने भून लिया है, साल्ट आप जितना इस्तेमाल करते हैं एज रिक्वायर्ड 2 टेबल स्पून, सोया सॉस 2 टेबल स्पून, विनेगर 2 टेबल स्पून, चिली सॉस। चले हम मैं ये तीनों चीजों को अच्छी तरह से हमने भून लिया था, जीरा, साबुत सोस मिर्च और काली मिर्च। अब हम इनको ब्लेंडर में डाल के अच्छी तरह से पीस लेंगे। आप इन तीनों को बेशक इकट्ठा पीस लें। पहले हम मैरिनेशन के मसाला तैयार कर लेंगे। ये दही ले रही है, इसके अंदर हम सारे अपने स्पाइसेस डाल लेंगे। मैंने काली मिर्च को अच्छी तरह से पीस लिया, ये डालेंगे, ये जो साबुत सुर्ख मिर्च थी उसको भी पीस लिया, ये भी डाल देंगे, ये जीरा था इसको भी अच्छी तरह से कूट लिया, टिक्का मसाला, तंदूरी मसाला, अदरक लहसुन का पेस्ट, धनिया पाउडर, चिली सॉस, सोया सॉस, विनेगर और सॉल्ट हम चिकन को लगा देंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये हमारा पेस्ट बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब हम इसके अंदर मस्टर्ड पेस्ट डाल लेंगे। और फिर एक बार इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मैरिनेशन का पेस्ट तैयार हो गया। अब हम चिकन को सिरका और नमक लगा, ये मैंने ये मुर्गी के अंदर मैंने डीप डीप कट लगा लें ताकि ये जो मसाला है ये अंदर तक जज्ब हो जाए। इसके ऊपर नमक पहले डाल देंगे, और ये अब सिरके, इसको अच्छी तरह से मल मार के इस डीप डीप कट के अंदर ये सिरका और ये नमक चला जाए। ये अच्छी तरह से सिरका और वो नमक लग चुका है। अब हम ये जो मैरिनेशन पेस्ट बनाया था ये हल्का हल्का ऊपर डाल लेंगे और हाथ की मदद से ये इनके कट्स के अंदर अंदर डाल देंगे। ये देखिए मसाला बहुत ही अच्छी तरह से लग गया। अब हम इसको मैरिनेशन के लिए रख देंगे। आप जितनी ज्यादा देर के लिए मैरिनेशन के रखेंगे उतना ही ज्यादा टेस्ट आएगा। हम इसको ओवरनाइट के लिए रखेंगे प्लास्टिक शीट की मदद से रैप करके। आपके पास प्लास्टिक शीट नहीं है तो
आप किसी दफ्तर हुआन या किसी बर्तन की मदद से भी रैप अप कर सकते हैं। अब हमने इसको प्लास्टिक शीट की मदद से रैप कर दिए। आप तकरीबन मिनिमम इसको 4 से 5 आवर के लिए जरूर रखें ताकि इसके मसाला बहुत ही अच्छी तरह इसके कट्स में चला जाए और ये बहुत ही स्पाइसी तरीके से बने। अब हमें इसको ओवरनाइट के लिए मैरिनेट कर लिया था। आप देख सकते हैं इसके हर एक कट में ये कितनी अच्छी तरह से मसाला गया हुआ है। अब हम एक थ्रेड लेंगे और उसकी मदद से इस दोनों टांगों को ऐसे बांध देंगे। जीरा राइस बनाने के लिए जो आपको चीज़ें चाहिए वो हैं, 1 किलो मैंने चावल ले लिए थे, उनको अच्छी तरह धो के तो मैंने 30 मिनट के लिए इनको भिगो दिया था। अब मैंने इनका पानी निकाल लिया, थोड़े से दालचीनी ले लिए, थोड़ा सा तेज पत्ता ले लिए और ऑयल इतना को हमने लेना है कि ये सारी चीज़ें हम अच्छी तरह भून सकें। जीरा लिया 1 टेबल स्पून और नमक भी लिया 1 टेबल स्पून। चलिए हम अपने जीरा राइस तैयार करते हैं। तो हमने कढ़ाई चूल्हे पर चढ़ा दिया। सबसे पहले हम ऑयल डाल लेंगे, हमारा अच्छी तरह से गर्म हो गया। अब हम अपने ये इन्ग्रीडियंट्स डाल देंगे, दालचीनी, तेज पत्ता, जीरा और इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। ये हमारे इन्ग्रीडियंट बहुत ही अच्छी तरह से भून गए हैं। अब हम इसमें अपने चावल डाल लेंगे, अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और ये हमारे चावल हो गए, अब इसमें हम पानी डाल लेंगे। पानी की क्वांटिटी इस तरह रखनी जितने आपके चावल है उससे डबल आपने पानी डाल देना। अब इसको पानी में जोश आने दें। अब इसमें हम नमक डाल लेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके पानी को जोश आने दें। पानी में बॉयल आना स्टार्ट हो गया। अब हम इसको किसी भी चीज की मदद से डांप देंगे इस ताकि हमारे चावल बहुत ही अच्छी तरह से पक जाए। अब ये हमारे चावल बहुत ही अच्छी तरह से उबल चुके हैं। अब हम चूल्हे की फ्लेम बंद कर लेंगे और चावलों को नीचे उतार लेंगे। ये देखिए बहुत ही अच्छी तरह से पक। इस तरह ये टाइट सा धागा लेना, इस तरह इनकी दोनों टांगों को जोड़ के ये अच्छे से तरीके से बांध देना ताकि ये खुले ना। अब हमने थोड़े से चावल इस प्लेट में निकाल देंगे, अभी हम इसके अंदर चावलों की फिलिंग कर लेंगे। अब एक देचके के अंदर मैंने पानी डाल लिया था, उसके अंदर मैंने इस तरह ये जाली रख लिया। आप कोई कटोरी या कोई चीज भी रख सकते हैं और इसके ऊपर हम जाली के ऊपर ये अपना मुर्गी रख लेंगे। और इसको 45 से 50 मिनट के लिए अच्छी स्टीम कर लेंगे ताकि हमारा गोश्त अंदर तक पक जाए लो फ्लेम पे। अब ये हमारा बहुत ही अच्छी तरह से स्टीम हो चुका है, जिस तरह ये देख लें इस तरह ये तो ब्राउन कलर देने के लिए इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे ताकि ये इसके ऊपर जो मसाले हैं ये भी अच्छी तरह से पक जाए। अब हमने एक फ्राई पैन में ऑयल ले लिया। अब हमने सिर्फ इसको इतना सा कुक करना है ताकि इसका कलर लाइट ब्राउन सा हो जाए। आपने ज़्यादा ऑयल नहीं डालना, नहीं तो वो चावलों के अंदर चला जाएगा। अब ये मैंने बहुत ही एहतियात से अंदर रख दिया। अब हम इसके दोनों साइडों से इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे ताकि इसका कलर आ जाए और ये जो इसके ऊपर ये मसाले हैं ये अच्छी तरह से पक जाए। तो रेडी हो गए हमारे सजी चावल। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। अब
हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।